गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ी थी उसमें पढ़ा था ना कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इट डज नॉट प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ये जो है इसकी एप्लीकेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, दैट इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब जो हम बेसिकली मैग्नेटिज्म को अगर हम स्टडी करते हैं, हम उसमें बात करते हैं दो टाइप की, कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन स्पेयर्ड हों, उसे हम सब्सटेंस को बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, दैट सब्सटेंस आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप किसी कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है मेरे पास लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। और सेकंड थिंग, ये डिपेंड करता है डेल्टा नोट वैल्यू पे एंड उसकी पेयरिंग एनर्जी पे। अगर हमारे पास जो है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप नहीं हो पाएंगे, तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन द सिमिलर वे, इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन डेल्टा नोट, और इन अनदर वे वी कैन से दैट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करेंगे पेयर अप के लिए बिकॉज पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे स्मॉल है एंड द कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, आप देखो कॉम्प्लेक्सेज जो है वीक फील्ड लिगेंड है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिसमें जो लिगेंड का फील्ड है वो वीक फील्ड है, कॉम्प्लेक्सेज विद वीक फील्ड लिगेंड उनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज दैट मीन्स उनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। एंड द कॉम्प्लेक्सेज विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे आर नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक करेक्टर होगा उनका, उन्हें बोलेंगे डायमैग्नेटिक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 6 3 पॉजिटिव, और सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। देखो अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करती हूँ, यहाँ पे दोनों में मेटल आयन हमारे पास सेम है, ज्योमेट्री दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो दोनों का सेम है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन अ सिमिलर वे हियर इज ऑल्सो कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये जो कॉम्प्लेक्स होता है मेरे पास अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है, दैट कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक एंड विद फ्लोराइड इट इज पैरामैग्नेटिक। 3D6 3D6 दोनों में कॉन्फिग्रेशन है। अब जब हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, T2Z ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होंगे एंड EZ ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी, टोटल हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि जो डेल्टा नॉट वैल्यू है वो क्या होगी, लार्ज होगी। और डेल्टा नॉट वैल्यू दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ये क्या है, लार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर अप हो जाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, दैट मीन्स ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक रिएक्टर होगा इसका। और अगर हम इसकी बात करें CO F6 3 नेगेटिव, 3D6 कॉन्फिग्रेशन है इस केस में भी, बट यहाँ पे क्या है कि जो डेल्टा नॉट वैल्यू है वो डेल्टा नॉट वैल्यू जो है स्मॉल है देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहले यहाँ पे फिलिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड देन 6, यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मेरे पास NH3 लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस केस में जो डेल्टा नॉट वैल्यू है वो क्या है, लार्जर है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पे क्या पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे जो फ्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लियर। इस वे से जो है हम जो है मैग्नेटिक बिहेवियर को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट मीन्स कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगेंड। अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, मीन्स कि लिगेंड की जितनी ज़्यादा ईज होगी कि वो मेटल आयन को अप्रोच करेगा, उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगी, लार्ज होगी। और ऐसे लिगेंड जो सिर्फ स्मॉल डिग्री ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे उन्हें हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, एंड दोज विच कॉज लार्ज स्प्लिटिंग दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी एक मेरे पास क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन सीरीज है, ये जो मैंने लिखी हुई है सबसे लास्ट में, आयोडीन ब्रोमाइड थायोसाइनेट क्लोराइड, ये एक
एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन सीरीज है, मींस इसके में जो ऑर्डर है इसे हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ने दोनों के ही इफेक्ट को लेके जो है सीरीज को बनाया हुआ है। इस सीरीज में जो लास्ट के लिगेंड्स प्रेजेंट है ये हैं वीक फील लिगेंड्स, और जो स्टार्टिंग में लिगेंड्स आएंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड्स। ओके, कुछ एक जो वेरिएशन है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले बात करें स्मॉल लिगेंड्स की, कि जो लिगेंड होंगे स्मॉल लिगेंड, जितना ज़्यादा लिगेंड का साइज स्मॉल होगा उतना ही वो मेटल आयन को जो है क्लोजली अप्रोच करेगा, और उस केस में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लाइक मैं कंपेयर कर रही हूँ हेलोजेंस की बात करें, देखो फ्लोराइड इसका जो साइज होता है वो सबसे स्मॉल होता है, सबसे स्मॉल है दैट मीन्स इसकी जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है वो सबसे ज़्यादा होगी, देन क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। कि लिगेंड का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो मेटल के साथ उतने ही क्लोज डिस्टेंस पे होगा ना, तो उस केस में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है वो उसकी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। क्लियर। सिमिलर वे में ऐसे लिगेंड्स जिनकी टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, लाइक यहाँ पे है साइनाइड हुआ, CO, NO2 नेगेटिव हुआ, CO हुआ, ऐसे लिगेंड जो है इनकी जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी वो लार्ज होगी। अब यहाँ पे साइनाइड आयन की जो क्रिस्टल, देखो सेकंड नंबर पे है इसकी सबसे, जब मैं वीक फिलिगेंड की बात करूँगी मैं कंपेयर कर रही हूँ तो इसी 2-3 times जो है इसकी ज़्यादा लार्ज होती है। इसका जो मेन रीज़न है वो है पाई बॉन्डिंग का, कि इस केस में क्या होगा कि जो मेटल के T2z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो मेटल क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा इस लिगेंड को, और इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो उसमें जो है वो पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए जो इनकी जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी देन ऐसे लिगेंड जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर। थर्ड फैक्टर की बात करूं कि जो पैटर्न है सिग्मा डोनेशन का वो सबसे ज्यादा कार्बन डोनर्स, मींस ऐसे लिगेंड जहां पे जो डोनर एटम है वो कार्बन है, उस केस में क्रिस्टल स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, देन नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर एंड हैलाइड डोनर, लाइक फ्लोराइड क्लोराइड कोई भी लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी वो कार्बन डोनर के केस में होगी, CO है, साइनाइड है, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लास्ट में आते हैं हैलोजन्स। क्लियर। तो ये जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका जो ऑर्डर है वो हम माइंड में रखेंगे, इससे जो है अगर लास्ट में सीरीज में प्रेजेंट है तो वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड है दैट मीन्स क्रिस्टल स्प्लिटिंग इनकी वीक होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इनकी जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगी वो होगी हाई। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ग्रेटर विल बी द CFS, मीन्स कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी क्रिस्टल स्प्लिटिंग भी क्या है उतनी ही हाई होगी। लाइक मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस है, दोनों में ही देखो मेटल भी सेम है, लिगेंड भी सेम है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, चार्ज का। यहाँ पे जो कोबाल्ट एटम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और मैं अगर इसकी डेल्टा नॉट वैल्यू को कंपेयर करूँ इसकी होती है 18,600 और इसकी है ओनली 9,300, मीन्स डबल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने से। तो जितनी ज़्यादा मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होगी, क्रिस्टल स्प्लिटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। थर्ड फैक्टर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, कि जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है वो डिटरमिन होगी डी ऑर्बिटल की हेल्प से, लाइक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्रिस्टल स्प्लिटिंग भी जो है वो लार्ज होगी। अब उसका लार्ज होने का रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, देखो अलोंग द पीरियड जो साइज़ होता है वो डिक्रीज होता है, बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ इंक्रीज होते हैं। 3D ऑर्बिटल से बिगर साइज होगा 4D का, और 4D से बिगर साइज होगा 5D ऑर्बिटल का, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा साइज लार्ज होगा वो ऑर्बिटल जो है स्पेस में उतना ही ज़्यादा एक्सटेंड होगा, और उस केस में क्या होगा वो मेटल जो है लिगेंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे, मेटल लिगेंड की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और क्रिस्टल स्प्लिटिंग भी क्या है उतनी ही लार्ज हो जाएगी। लाइक यहाँ पे कोबाल्ट है, ये 3D सीरीज का मेटल है, रोडियम एंड इरिडियम, इन तीनों की देखो यहाँ पे फिर से मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है एंड लिगेंड भी सेम है, दैट मीन्स कि जो डेल्टा नॉट वैल्यू है वो सिर्फ मेटल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये 3D सीरीज का है तो इसकी 23,000, 4D सीरीज का 34,000 एंड 5D सीरीज का है तो 41,000, मीन्स यहाँ पे हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इवन लिगेंड भी सेम है, तो डेल्टा नॉट वैल्यू वो डिपेंड कर रही है मेटल के ऊपर। मेटल जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे 3D टू 4D देन 5D, मेटल का जो ऑर्बिटल है उसका साइज इंक्रीज होगा और क्रिस्टल स्प्लिटिंग भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो जब हमने ये क्रिस्टल स्प्लिटिंग पढ़ी थी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल केस में, उस तब वहाँ पे भी स्टडी किया था ये कि जो डेल्टा टी होती है दैट मीन्स क्रिस्टल स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, कितनी होती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट,
और मैं डेल्टा टी की बात करूँ, इस केस में क्या होती है, हमारे पास जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होती है वो स्मॉल होती है देन पेयरिंग एनर्जी से। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो सभी के सभी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस वे में जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग है वो टोटल 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज नेचर ऑफ द लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, थर्ड हो गया उसकी ज्योमेट्री और नेक्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, की कौन कौन से डी ऑर्बिटल जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब आगे बात करते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो मोस्टली जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। बिकॉज जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेंगे, विजिबल रीजन में जो लाइट होते हैं हमारे पास उसमें से कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेंगे। जब वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी या फिर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट बोलूँ वो क्या होगी, कलर्ड होगी। अब जो मेरे पास विजिबल लाइट होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो मिक्सर होती है ना रेडिएशंस का, उसकी जो स्टार्टिंग होती है ब्लू से स्टार्ट होकर रेड तक होती है। ब्लू के लिए जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर नियर अबाउट एंड रेड के लिए होती है 700 नैनोमीटर। तो अब अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इफ अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, तो ये जो हमें अपीयर होगा ये हमें किस पे अपीयर होगा, रेड पे अपीयर होगा, दैट मींस लॉन्ग वेवलेंथ पे। उसका रीजन भी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, कि दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, अभी ये जो है आप नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा 4th चैप्टर वहाँ पे डिटेल में स्पेक्ट्रम पढ़ोगे जब कॉम्प्लेक्सेस का, वहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्टडी करोगे। यहाँ पे हम एक कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं टाइटेनियम S2O6 3-phosphate। टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स टाइटेनियम की कॉन्फिगरेशन होगी D1। D1 का मतलब है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, T2 में। ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है ना कि वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करे, तो जो T2z ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी की है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो T2z ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। और अगर हम इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास इस टाइप का आता है इसका, ये हमारे पास इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये यहाँ पे जो पीक आ रही है हमारे पास 5000 वेवलेंथ है, और जो न्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20,000। अब हम इसके लिए अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहे इस वेवलेंथ के लिए 5000 के लिए, देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है N0 h × c / λ। N0 यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, सभी के सभी टर्म्स कॉन्स्टेंट है, इन सब की वैल्यूज लिख हो गई। वेवलेंथ की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो यहाँ से जो मेरे पास एनर्जी आती है दैट एनर्जी इज 239 किलो जाउल मोल इनवर्स। अब ये जो है कॉम्प्लेक्स मेरे पास टाइटेनियम, ये क्या करेगा, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड जो है ग्रीन एंड येलो लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, कि इसमें से व्हाइट लाइट 7 कलर का मिक्सर होती है उसमें से क्या करेगा, ग्रीन एंड येलो को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा दैट इज ब्लू एंड रेड पोर्शन ये क्या करेगा, एमिट करेगा, और जो सॉल्यूशन है वो हमें पर्पल कलर का नजर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये हमारे पास कलर व्हील होता है, वॉयलेट ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं कि अगर एक सब्सटेंस ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, तो वो ऑरेंज को ट्रांसमिट करेगा। सिमिलर वे में अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ग्रीन, तो वो क्या करेगा, ग्रीन कलर को ट्रांसमिट करेगा। तो वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस वेवलेंथ के, जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही है कैलकुलेट होके, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड वो कौन सी एनर्जी के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और जो रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करेगा उसके जो कोरस्पॉन्डिंग कलर होगा वो जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। ओके, अब देखो अगर हम बात करें T2gen AC ऑर्बिटल की, ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये वेरी करेगी इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है, बिकॉज ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर, वहाँ पास कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है। तो इस वे में क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो जो कलर शो करेंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोबाल्ट के 3 कॉम्प्लेक्सेस है, तीनों में ही कोबाल्ट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। बट फर्स्ट केस में लिगेंड है वाटर, सेकंड में अमोनिया एंड थर्ड में साइनाइड। अब इस केस में अगर मैं क्रिस्टल स्प्लिटिंग की बात करूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम देखें क्रिस्टल स्प्लिटिंग का ऑर्डर यही होता है, साइनाइड की सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, देन अमोनिया एंड देन वाटर। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, स्मॉल होगी। एक्साइटेशन एनर्जी स्मॉल होगी दैट मीन्स कि जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट S2O6 3-phosphate, ये क्या करेगा, लार्जेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा।
सबसे ज़्यादा कम जो मेरे पास स्प्लिटिंग है वो इसकी है ना, ये स्प्लिटिंग बेसिकली है कि डेल्टोन डिफरेंस, इस केस में डेल्टोन डिफरेंस सबसे हाई होगा, इसमें उससे कम और इसमें सबसे ज़्यादा कम। तो इस केस में जो डेल्टोन डिफरेंस है ये क्या होगा, सबसे कम होगा, डेल्टोन वैल्यू कम है, एनर्जी कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लार्ज वेवलेंथ होगी। दैट मीन्स ये क्या करेगा, लार्ज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ साइनाइड वाले की, इस केस में जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होगी। तो इसीलिए जो हमारे पास ये कोबाल्ट S2O6 कल है कॉम्प्लेक्स, ये जो है ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज कलर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो ट्रांसमिट करेगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज ब्लू, उसको जो है ट्रांसमिट करता है। सिमिलर वे में इसकी बात करूँ साइनाइड की, ये जो है शॉर्ट वेवलेंथ को, शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं यहाँ पास वॉयलेट की, तो ये क्या करेगा, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा दैट इज येलो, ये उसको जो है ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो इस तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके जो कलर होंगे वो डिपेंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ के ऊपर। जितनी ज़्यादा हाई वेवलेंथ होगी उतनी ही एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा, और फिर जो उनसी एनर्जी की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कलर वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। वन मोर एग्जाम्पल, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4.5H2O, एक है नॉर्मल क्यूप्रस कंपाउंड, इसको बोलेंगे क्यूप्रस सल्फेट, और थर्ड वन इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। बेसिकली तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट केस में कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेयर इट इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हेयर ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे टोटल मेरे पास 5 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, ये एनहाइड्रस है, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फर्स्ट वाले केस में Cu2 पॉजिटिव 3D9 कॉन्फ़िगरेशन होगी, Cu1 पॉजिटिव 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, और यहाँ पे 3D9 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं बात करूँ, देखो 3D10 यहाँ पे तो कम्प्लीटली फील्ड है डी ऑर्बिटल, तो इस केस में क्या होगा, कोई भी डीडी ट्रांजिशन ऑब्जर्व नहीं होगी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये मेरे पास हो जाएगा कलरलेस। अब मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन होगी, और ये जो एब्जॉर्ब करता है रेड रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ की, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा रेड का दैट इज़ ब्लू, ब्लू कलर को क्या करेगा ये ट्रांसमिट कर देगा। थर्ड वाले की बात करूँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इस केस में क्या है कॉपर 2 पॉजिटिव 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, बट यहाँ पे देखो एक भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है इसके साथ, एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस केस में भी क्या होगा, फिर से जो क्रिस्टफ स्प्लिटिंग होती है वो लिगेंड्स की वजह से होती है ना, यहाँ पे एक भी लिगेंड अटैच नहीं है दैट मीन्स नो स्प्लिटिंग, और जो नो स्प्लिटिंग ये सारे के सारे क्या होंगे, डीजनरेट होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगी। तो इस वे में जो है मैं कॉपर के तीनों कॉम्प्लेक्सेस को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। ओके, अब ये तो थी एप्लीकेशन क्रिस्टोफील थ्योरी की, कि हम जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर को, कि कौन से कलर की वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करेंगे, कौन सा ट्रांसमिट करेंगे, वो स्टडी कर सकते हैं। बट इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस तो क्या हर किस थ्योरी की ही होती है, इसकी लिमिटेशन बेसिकली इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है वो क्या है, फर्स्ट मेटल लिगेंड की जो करेक्टर है, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक अजम्पशंस पढ़े थे इस थ्योरी के, तो हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि जो मेटल है और लिगेंड है वो पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि यहाँ पे जो हम बॉन्ड एज्यूम करके चले हैं वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बॉन्ड के अंदर जो है कुछ ना कुछ पार्शियल कोवलेंट करेक्टर भी होते हैं। तो इस थ्योरी ने जो है पार्शियल कोवलेंट करेक्टर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं किया था। क्लियर, सेकेंड बात करूँ थ्योरी की लिमिटेशन की, कि हमारे पास जो है मल्टीपल बॉन्डिंग की, इसने जो है सिर्फ एक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, बट ये जो है उसको लेके नहीं चला था। थर्ड बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को, कि इसने जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज अगर मैं वाटर एंड OH नेगेटिव में दोनों में कंपेयर करूँ, मेरे पास वाटर क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट ये अपीयर होता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड पे, स्ट्रॉन्गर लिगेंड अगर हम इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑब्जर्व करें, और OH नेगेटिव ये तो नेगेटिवली चार्ज है, इसकी जो क्रिस्टल स्प्लिटिंग होती है वो वाटर से जो है कम होती है, तो भी बेसिक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लेके चल रहे हैं वो किस बेसिस पे है उसको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट लिमिटेशन, डज नॉट एक्सप्लेन द चार्ज ट्रांसफर बैंड्स, अभी आगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे चार्ज ट्रांसफर बैंड किस तरीके से होता है, इस थ्योरी ने चार्ज ट्रांसफर बैंड्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी है कि हम यहाँ पे जो है सिर्फ मेटल के डी ऑर्बिटल्स को लेकर चल रहे हैं, कि मेटल के पास 5D ऑर्बिटल है, उनकी स्प्लिटिंग होगी,
बट मेटल के पास और भी तो ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी में भी फर्दर थ्री होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इन सब के बारे में जो है इसने कोई भी कंसिडरेशन नहीं की थी। ओके, अब ये जो थ्योरी में लिमिटेशंस थी, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी कंसिडर हुई वो यही वाली कि जो हम कोई भी बॉन्डिंग ले रहे हैं उसमें जो है दोनों करेक्टर होते हैं, सिर्फ हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हुई, तो इस थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और उस मॉडिफाइड थ्योरी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मॉडिफाइड क्रिस्टल थ्योरी में जो बेसिक पैरामीटर है वो यही कि जो मेटल एंड लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग है उसमें जो है पार्शियल कोवलेंट करेक्टर भी होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू।